त्रेता युग में या तो भगवान राम ने उस काल में ही समुद्र को सच में पार कर भक्तों के लिए एक मिसाल कायम की थी। गोवर्धन में इस ऐतिहासिक सेतु लीला का दृश्य देखना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। जहां पर सच में मानसी गंगा रूपी समुद्र में राम लक्ष्मण अपने सभी वानर साथियों के साथ समुद्र को पार करते हुए आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। गोवर्धन से निकलने वाली इस सेतु की लीला को देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से लाखों की भीड़ आती है और सेतु के विहंगम दृश्य को देख अपने आप को धन्य बनाते हैं। आकर्षक झांकियों के साथ निकलने वाली सेतु लीला को देखने के लिए लोग मानसी गंगा के घाटों पर कई कई घंटों पहले से डेरा जमा कर बैठ जाते हैं। खास बात यह है कि उत्तर से प्रारंभ होने वाली यह सेतु लीला दक्षिण में मदन मोहन जी के उस मंदिर पर जाकर समाप्त होती है, जहां गोवर्धन के रामलीला में अब तक विगत दशकों से रावण का स्वरूप खेलने वाले कलाकार रहते हैं। बुजुर्ग बताते हैं यह एक ऐसा सौभाग्य है जो शायद ही संसार में कहीं दूसरी जगह देखने को मिले। गोवर्धन में इस समय रामलीला चल रही है और उसी के दौरान यह ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जिसमें आकर्षक झांकियों के साथ राम जी की शोभा यात्रा मानसी गंगा के द्वारा निकाली गई। यहाँ सैकड़ों साल से सुनते चले आ रहे हैं कि सेतुला मानसी घाट बंगाली घाट से निकाली जाती है और वो मोहन जी घाट पर पूरी होती है। इसमें ये विशेष बात है, जो रावण बनते थे स्वरूप श्री राम के और उनके पुत्र गौर गोपाल नंद गोपाल जी, उनके ही मतलब यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाके उनके घर में ही जाते हैं। ये यहाँ कहीं किसी जगह भी ऐसी लीला नहीं होती जो समुद्र पार किया जाए। मानसी गंगा से यमुना पार होके ही ठाकुर जी जाते हैं। और क्या इसकी विशेषता है, झांकी वगैरह? क्या झांकियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, बड़ी सुंदर, काफी लोग देखने आते हैं, दर्शक लोग, बाहर के दूर दूर के लोग, गांवों के देहात के हिंदू लोगों को पता है कि और सेतुलीला होगी। सेतुलीला बड़े बाहर जोर से देखते हैं। जगह जगह इसका आरती उतार का स्वागत भी किया जाता है, जैसे महल घाट पर, पूरे घाट पर और जमुना मोहन जी घाट पर इन रामचंद्र जी की इस शोभा यात्रा जो सेतुलीला की होगी उस पर पूजा आरती करेंगे। ऐसा है, ये हमारे यहाँ जो रामलीला होती है ये बहुत पुरानी परंपरा है और ये सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। हमारे बुजुर्ग लोगों ने ऐसा सोचा था कि मानसी गंगा में समुद्र पार की लीला दिखाई जाए, तब से हमारे यहाँ बुजुर्गों ने ऐसा चलाया कि इस लीला को छोटे रूप से होती थी। अब हम लोगों ने थोड़ा इसको और विस्तृत किया है। पहले किस रूप में निकालते थे इसे? पहले हम एक थोड़े छोटे रूप में राम जी को बैठा के पल्ली पार करते थे, फिर हम दसवीं चांदी निकलने लगे, फिर और हम बढ़ाने लगे। धीरे धीरे हमने ये सोचा है कि ये लीला हमारी ज्यादा बढ़े और इसमें नयापन आ गया।